हेलो एवरीवन गुड इवनिंग राम राम जय हिंद नमस्ते सतरीकाल भाई सभी को एक बार वॉइस वीडियो चेक करके जरूर बताना भाई नवीन वॉइस और वीडियो ओके है क्या उसके बाद क्लास जो है शुरू कर देते हैं अपनी एक बार चेक करना वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके है ना देखना एक बार सब कुछ ठीक ठाक है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वॉइस वीडियो ओके उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है आज ये दसवीं क्लास है और ये क्लास एज ए डेमो सभी के लिए अवेलेबल रहेगी इस ऐप के अंदर एज़ अ डेमो डेमो के तौर पे अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा है क्या कुछ पढ़ लिया है हमने ओके okay है जी नवीन कुमार थैंक यू सो मच बताने के लिए भाई नवीन अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर पढ़ा था हार्डवेयर में सारी चीज़ें पढ़ी थी हार्डवेयर की क्लासें रही होंगी मेरे ख्याल से अपनी लगभग छः से सात क्लास जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर की ही रही हैं छः से सात क्लास उसके बाद हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी है यानी कि अभी तक हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर पढ़ लिया है हार्डवेयर हमने कंप्लीट कर लिया है हार्डवेयर में जो चीज़ें रहती हैं वो हम मैंने पहले ही बताया था आपको कहाँ पे शामिल करूँगा मैं उन चीज़ों को और हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है वो पढ़ ली है कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है वो पढ़ ली है कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ ली है ठीक है तो अभी तक हमने ये पढ़ा है जो ट्रायल क्लास देख रहे हैं आपके लिए एक सुनहरा बेहतरीन अवसर है आप अगर जॉब की तैयारी हैं किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं देखो हर जॉब में आजकल जो है क्या है कंप्यूटर जो है अच्छे मार्क्स का आता है किसी भी जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस की है दिल्ली पुलिस की है जम्मू की है जम्मू कश्मीर है बिहार है उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश है राजस्थान सी है पंजाब पंजाब पुलिस है पंजाब एस है या पंजाब का कोई भी एग्ज़ाम है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है के है एन है उन सभी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर अच्छे लेवल का और अच्छे मार्क्स वाला देखने को मिलता है तो उन मार्क्स को कैरी करने के लिए आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स का नाम आपका डायमंड कंप्यूटर कोर्स जीरो टू के नाम से है डायमंड कंप्यूटर कोर्स जीरो टू के नाम से है डायमंड कंप्यूटर कोर्स जीरो टू के नाम से कोर्स है अपना जो लाइव बैच है टोटली इसमें क्लासेज जो हैं अपनी टोटली लाइव चलती हैं लाइव क्लासें चलती हैं इसके अंदर टोटली अपनी हर रोज़ लगभग एक क्लास जो है अपनी होती है और आज हम कंप्यूटर जनरेशन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आज हम कंप्यूटर की जनरेशन इसमें स्टार्ट करेंगे ठीक है अगर आपको कोई क्वेरी है इससे संबंधित तो सात चालीस चालीस सात छः दो आठ एक पर जो है आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं आप पूछ सकते हैं कोई क्वेरी है तो सात चालीस चालीस दो आठ एक पर पूछ सकते हैं व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल करें तो और अगर आप कॉल करो तो इसमें सुबह ग्यारह बजे से लेकर के ग्यारह एम से लेकर के बारह पी एम तक जो है आप कॉल कर सकते हैं ग्यारह से बारह तक ठीक है एक घंटा आप कॉल कर सकते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं तो आइए पढ़ते हैं करते हैं शुरू कंप्यूटर की जनरेशन भाई कंप्यूटर की जनरेशन शुरू कर देते हैं हिस्ट्री और कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो आज हम जनरेशन से स्टार्ट करते हैं चलिए देखिए कंप्यूटर हमने बना लिया है कि कंप्यूटर बनने में कितना टाइम लगा क्या क्या मुसीबतें कंप्यूटर बनने के लिए हमें झेलनी पड़ी वो कंप्यूटर हम बना चुके हैं अभी जो चीज़ें आएंगी वो कंप्यूटर बनने के बाद की बातें होंगी यानी कि जनरेशन की, की बातें करेंगे अभी कंप्यूटर की क्या शुरू हो गई हैं जनरेशन शुरू हो गई हैं भाई अभी कंप्यूटर की क्या शुरू हो गई हैं जनरेशन शुरू हो गई हैं जनरेशन का मतलब है यानी कि पीढ़ी वैसे तो देखा जाए तो किसी भी किताब में जनरेशन का जिक्र नहीं है जो ओरिजिनल किताब है ओरिजिनल किताब में किस चीज़ का जिक्र है ओरिजिनल किताबों में जिक्र होता है टेक्नोलॉजी का किस चीज़ का ज़िक्र होता है टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है कि टेक्नोलॉजी कौन सी थी पहले टेक्नोलॉजी कौन सी थी फिर कौन सी थी फिर उसके बाद कौन सी थी और टेक्नोलॉजी बदलती गई तो जनरेशन बदलती गई टेक्नोलॉजी बदली तो जनरेशन भी बदल गई भाई उसी समय ठीक है ना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई वैसे वैसे जनरेशन यानी कि जनरेशन का नाम लिया गया कि जनरेशन बदल गई ठीक है तो टोकुल तो, कितनी जनरेशन थी टोटल जो जनरेशन थी कुल जनरेशन यानी कि टोटल जनरेशन कितनी थी कुल जनरेशन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की कुल जनरेशन जो है कितनी है कुल जनरेशन cool है कंप्यूटर की पांच कितनी जनरेशन है कुल cool पांच जनरेशन अभी जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी जनरेशन है अभी चल रही जनरेशन कौन सी है भाई अभी चल रही जनरेशन अभी चल रही जनरेशन कौन सी है फिफ्थ जनरेशन चल रही है कौन सी चल है? जनरेशन चल रही है अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है टोटल पांच जनरेशन है कंप्यूटर की और अभी जो हम देख रहे हैं अभी जो हम सीख रहे हैं या फिर हम जिस युग में जी रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन है भाई पांचवी जनरेशन ठीक है तो आइए करते हैं शुरू पहली जनरेशन से बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक क्या कुछ रहा क्या कुछ नहीं रहा तो फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले भाई कौन सी जनरेशन है सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन भाई सबसे पहले जो है अपनी कौन सी जनरेशन 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 है है फर्स्ट भाई पहली तो पहली तो कब, कब तक हुई क्या कुछ उसमें था क्या कुछ नहीं था वो डिस्कस हम फर्स्ट जनरेशन के इस टॉपिक में हम करने वाले हैं सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन का ही जिक्र करेंगे भाई ठीक है तो देखो भाई फ़र्स्ट जनरेशन में हम क्या क्या चीज़ों का जिक्र करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम समय का जिक्र करेंगे कि समय जो है इस जनरेशन का कब से कब तक था इंग्लिश में इसको कहें तो हम टाइम का ज़िक्र करेंगे कि समय जो है टाइम जो है कितने से कितने तक का इसका हुआ फिर हम तकनीक का जिक्र करेंगे किस चीज़ का जिक्र करेंगे फिर हम तकनीक का जिक्र करेंगे यानी कि इंग्लिश में कहें तो टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे भाई किस चीज़ का जिक्र करेंगे हम हम टेक्नोलॉजी का ज़िक्र करेंगे ठीक है इसके बाद हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे तकनीक के बाद हम तकनीक के बाद भाषा का जिक्र करेंगे कि इस जनरेशन के अंदर कौन सी भाषा थी कैसे प्रयोग होती थी भाषा माने इंग्लिश में कहें तो लैंग्वेज का जिक्र करेंगे किस चीज़ का जिक्र करेंगे लैंग्वेज का कि कौन सी लैंग्वेज इस जनरेशन में होती थी फिर इस जनरेशन के हम उदाहरण देखेंगे कि इस जनरेशन के जो उदाहरण हैं वो कौन से कौन से जनरेशन के कंप्यूटर रहे कौन से कौन से कंप्यूटर रहे इसके उदाहरण यानी कि हम एग्जाम्पल देखेंगे कौन से कौन से एग्जाम्पल जो हैं इस कंप्यूटर इस जनरेशन में कंप्यूटर थे और फिर देखेंगे हम मुख्य बिंदु फिर हम क्या देखेंगे मुख्य बिंदु देखेंगे कि इस जनरेशन में आपके मुख्य बिंदु जो रहे वो कौन से कौन से रहे मुख्य बिंदु जो हैं वो कौन से कौन से रहे यानि कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जिक्र करेंगे किस चीज़ का जिक्र करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम जिक्र करेंगे भाई इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहे इन चार से पांच चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं थोड़ा नीचे लिखो सर नीचे ही तो है ऐसे एस ऐसी बात नहीं इतना भी ऊपर नहीं है ऐप में हो सकता है थोड़ा सा उसमें ऊपर दिखाई देता हूँ वैसे नवीन ठीक दिख रहा है आई थिंक ओके है चलो देखो तो समय जो है इस फर्स्ट जनरेशन का जो समय है वो समय कब से कब तक है ऐसा कहा जाता है 1942 टू 54 है यानी कि 1942 से 54 है भाई 1942 से चौवन है इसे कई 1944 से चौवन भी कहते हैं कई किताब जो है इसको 1944 से चौवन भी कहती मिलेगी कई किताब जो है इसको 1946 से पचपन भी कहती मिलेगी तो कोई इशू नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसका 1942 से चौवन ही लिखो कोई बात नहीं है इससे संबंधित अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन यूँ पूछा जाएगा कि आप ये बताइए उन्नीस में कौन सी जनरेशन हुआ करती थी क्या पूछा जाएगा 1950 में कौन सी जनरेशन हुआ करती थी आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा तो 1950 में कौन सी जनरेशन होती थी वो फर्स्ट जनरेशन होती थी कौन सी जनरेशन होती थी भाई वो फर्स्ट जनरेशन आपकी होती थी इसके बाद है टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक कौन सी आई इस जनरेशन के अंदर आपकी तकनीक जो है वो कौन सी थी तो कौन सी तकनीक हुआ करती थी इसमें होती थी भाई वैक्यूम ट्यूब क्या यूज होती थी इस तकनीक इस जनरेशन में तकनीक वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी भाई वैक्यूम ट्यूब ठीक है वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी भाई वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी इस जनरेशन के अंदर कौन सी जनरेशन की बात हो रही है हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन की वैक्यूम ट्यूब है क्या क्या बला है वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब इस तरीके की एक डिवाइस होती थी वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब इस तरीके की इस तरीके की डिवाइस थी कांच की डिवाइस होती थी कांच की डिवाइस होती थी इस तरीके की डिवाइस होती थी इसके बारे में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे वैक्यूम ट्यूब के बारे में यह एक ग्लास डिवाइस यह क्या होती थी यह एक ग्लास डिवाइस है ग्लास डिवाइस यानी कि कांच से बनी हुई डिवाइस यह है एक ग्लास डिवाइस है जो क्या काम करती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल व एम्पलीफाई करती है भाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या करती है कंट्रोल वह एम्प्लीफाई करती है भाई कंट्रोल व एम्प्लीफाई करती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल व एम्प्लीफाई करती है कौन करती है वैक्यूम ट्यूब करती है भाई कैसी डिवाइस है एक ग्लास डिवाइस है कैसी डिवाइस है एक आपकी ग्लास डिवाइस है भाई जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल करती है और एम्प्लीफाई करती है भाई इसका आविष्कार किसने किया था इसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था भाई इसका आविष्कार किसने किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था भाई जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने जॉन एम्ब्रोस जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने उन्नीस भाई 1904 में किया किस में किया था 1904 में किया था भाई 1904 में किया था हालांकि एच ने इसका आविष्कार 1906 में माना है हालांकि एच ने जो इसका आविष्कार माना है वो 1906 माना है 1904 की बजाय 1904 की के बजाय 1906 माना है 1904 ऑप्शन में नहीं था सीधा पूछा गया था वैकम ट्यूब के बारे में ठीक थी, ठीक है वैकम ट्यूब कब बनी थी हरियाणा बोर्ड ने यानी कि हरियाणा के जो एच स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है उन्होंने इसका आविष्कार 1906 माना 1904 ऑप्शन में नहीं था ठीक है यहाँ तक की बातें क्लियर हैं सभी को इसका आविष्कार कब हुआ वैकम ट्यूब यूज़ होती थी वैकम ट्यूब कैसी डिवाइस थी एक ग्लास डिवाइस थी जो तकनीक इसके अंदर यूज़ होती थी ठीक है ना इसकी वजह से कंप्यूटर जो है क्या होते थे हीट होते थे इसकी वजह से ही कंप्यूटर हीट होते थे ये गिलास डिवाइस जब जलती थी तो जलती थी तो बहुत ज़्यादा इससे हीट निकलती थी बहुत ज़्यादा गर्म होते थे कंप्यूटर और इसी की वजह से साइज़ भी कंप्यूटरों का जो है वो बहुत बड़ा बड़ा साइज़ होता था कंप्यूटर का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा बड़ा होता था भाई ठीक है अभी भाषा पर आ जाते हैं कौन सी चीज पर आ जाते हैं इस जनरेशन की भाषा पर आ जाते हैं कि इस जनरेशन की जो भाषा है वो कैसी थी भाई इस जनरेशन की भाषा कैसी थी भाषा भाषा माने लैंग्वेज जो है इस जनरेशन की वो कैसी थी भाई लैंग्वेज भाई तो लैंग्वेज कैसी थी इस जनरेशन की इस जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो अपनी कैसी लैंग्वेज हुआ करती थी भाई इस जनरेशन की लैंग्वेज जो होती थी वो मशीन लैंग्वेज होती थी इस जनरेशन में कैसी लैंग्वेज यूज होती थी मशीन लैंग्वेज इस जनरेशन में इस जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ भाई किस चीज का प्रयोग हुआ मशीन भाषा का किस चीज का प्रयोग हुआ भाई मशीन भाषा का प्रयोग हुआ मशीन भाषा का प्रयोग हुआ इस जनरेशन में किस भाषा का प्रयोग हुआ मशीन भाषा का प्रयोग हुआ भाई ठीक है ना मशीन भाषा आई इस जनरेशन के अंदर तो ये मशीन भाषा जो थी ये कैसी भाषा थी और इसमें क्या कुछ था मशीन भाषा के अंदर वो देख लेते हैं इस भाषा में इस भाषा में न्यूमेरिक कोड का प्रयोग होता था किस चीज का प्रयोग होता था भाई न्यूमेरिक कोड का प्रयोग होता था भाई न्यूमेरिक कोड का प्रयोग होता था न्यूमेरिक कोड का प्रयोग होता था इस भाषा में न्यूमेरिक कोड का प्रयोग होता था तो न्यूमेरिक कोड जो है ये कौन से कोड थे न्यूमेरिक कोड न्यूमेरिक कोड जो है ये कैसे कोड हुआ करते थे इस कोड में इस कोड में क्या क्या चीजें शामिल थी जीरो वन शामिल था जीरो वन शामिल था इस कोड में क्या क्या चीजें शामिल थी जीरो वन जीरो और वन जो है इस कोड के अंदर शामिल होते थे भाई ठीक है ना ये जो भाषा थी ये मशीन पर निर्भर भाषा थी यह भाषा यह भाषा मशीन पर निर्भर भाषा थी यह है मशीन पर निर्भर भाषा है भाई मशीन पर क्या है यह भाषा मशीन पर निर्भर भाषा है यह जो भाषा है मशीन पर निर्भर भाषा है मशीन पर निर्भर होने का क्या मतलब होता है मशीन पर निर्भर भाषा होने का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर में जो भाषा इस कंप्यूटर की है वो इस कंप्यूटर में नहीं चल सकती वो इस कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं चल सकती निर्भर का ये मतलब है यानी कि एक ही कंप्यूटर की भाषा रहेगी उसी कंप्यूटर की भाषा है उसी में रहेगी ठीक है ना ये एकमात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है ये एकमात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है यह है एकमात्र भाषा है एक मात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है भाई जिसे कंप्यूटर समझ सकता है ये एकमात्र भाषा है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है ठीक है ना जिसको कंप्यूटर समझ सकता है और यह भाषा जो है पोर्टेबल भाषा नहीं है यह भाषा कैसी भाषा नहीं है यह भाषा पोर्टेबल नहीं है पोर्टेबल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह लाई ले जाई नहीं जा सकती जैसे कि मशीन पर निर्भर है यह भाषा पोर्टेबल नहीं है यह भाषा जो है आपकी पोर्टेबल भाषा नहीं है पोर्टेबल भाषा नहीं है भाई इट इज़ नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज इट इज नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज तो अगर स्टार्टिंग से देखें इट यूजिस न्यूमेरिक कोड अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इट यूजिस न्यूमेरिक कोड और इट इज मसीन डिपेंडेंट लैंग्वेज इट इज ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड और इट इज पोर्टेबल भाषा नहीं है सॉरी इट इज़ नॉट पोर्टेबल लैंग्वेज इस यह भाषा पोर्टेबल भाषा नहीं है इट इज़ नॉट पोर्टेबल लैंग्वेज यानी कि एक मशीन में से दूसरी मशीन में इसको नहीं चला सकते हमने क्या कहा हमने कहा कि एक कंप्यूटर है एक और कंप्यूटर है हमने इस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखा मैं चाहता हूँ इसको निकाल करके मैं कंप्यूटर इसमें चलाऊं तो नहीं चला सकते क्यों क्योंकि ये मशीन पर ही निर्भर है मशीन निर्भर भाषा है क्या है मशीन निर्भर भाषा है भाई ठीक है ना मशीन निर्भर भाषा है इसलिए आप इसको नहीं चला सकते तो मशीन भाषा के बारे में ये तथ्य थे जो मशीन भाषा क्या कुछ होती है और उसमें क्या कुछ होता है क्लियर बात यहाँ तक सभी को हाँ जी तो ये मशीन भाषा के बारे में बातें थी कोड में जीरो वन शामिल है जिसको हम न्यूमेरिक कोड भी कहा है और इसे इस कोड को बाइनरी कोड भी कहा जाता है इस कोड को क्या कहा जाता है इसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है भाई इसे जो है बाइनरी कोड भी कहा जाता है इसे बाइनरी कोड भी कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है बाइनरी कोड भी कहा जाता है बाइनरी कोड भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है बाइनरी कोड भी कहा जाता है बाई का मतलब होता है टू टू का मतलब है एक जीरो और एक वन एक जीरो और एक वन बाइनरी कोड कहा जाता है इसे ठीक है क्लियर हुई बात सभी को यहां तक इसे बाइनरी कोड भी कह सकते हैं नेक्स्ट आज आगे आते हैं उदाहरण पर इस भाषा के इस जनरेशन के इस जनरेशन में जो चीजें हुई उसके उदाहरण पे आ जाते हैं भाई इस जनरेशन के उदाहरण यानी के एग्जाम्पल पर आ जाते हैं भाई हम इस जनरेशन के उदाहरण फर्स्ट जनरेशन में कौन से कौन से उदाहरण थे क्या क्या एग्जाम्पल रहे फर्स्ट जनरेशन के तो वो क्या क्या एग्जाम्पल रहे फर्स्ट जनरेशन के भाई फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल जो हमारे रहे वो कौन से कौन से हैं ई एन ई एन आई ए सी ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ई डी वी ए सी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ई डी एस ए सी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर सॉरी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है यू एन आई वी ए सी यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है तो ये चार कंप्यूटर जो हैं इस जनरेशन के हैं चारों कंप्यूटर जो हैं इस जनरेशन के हैं और ये बॉडी बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं ये सारे के सारे ई एन आई ए सी ई डी और यूनिवैक ये सारे के सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई इसके अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे तो सबसे पहले पढ़ते हैं ई एन आई ए सी के बारे में पढ़ते हैं ई एन आई ए सी के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले तो ये जनरेशन के क्या है एग्जाम्पल है भाई इस जनरेशन की क्या है ये एग्जांपल है तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सी e के बारे में e -N -I -A -C के बारे में पढ़ते हैं सी एन आई ए सी फुल फॉर्म क्या बनेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और कंप्यूटर कंप्यूटर कहा जाता है आजकल वैसे था ये कैलकुलेटर लेकिन आजकल जो है इसको कंप्यूटर कहा जाता है भाई अगर कंप्यूटर में ऑप्शन में ना हो तो कैलकुलेटर कह देना तो क्या बोल दोगे आप इसको कैलकुलेटर बोल दोगे भाई अगर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं होगा तो ठीक है ना अगर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको बोल देना इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और कंप्यूटर भाई ठीक है क्लियर है बात यहाँ तक तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर क्या है ये डिजाइन किसने किया था ईएनआईएसी e -E इसको डिजाइन जो है इसको जेपी अकर्ट जेपी जेपी एकर्ट और जॉन मोचले और जॉन मोचले ने डिजाइन किया था जेपी एकर्ट और जॉन मोचले ने क्या किया था डिजाइन किया था भाई कई बार जो है इसका इनमें से एक का नाम दे देते दे हैं कई बार जेपी कट का नाम देते हैं कई बार जॉन मोचले का नाम दे देते दे हैं तो ध्यान रखना ठीक है ना जेपी कट और जॉन मोचले दोनों ने डिजाइन किया था भाई मिलके ठीक है इसके बाद इस कंप्यूटर में जो है इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था बहुत बड़ा साइज होता था इस कंप्यूटर का ठीक है ना बहुत बड़ा साइज होता था इस कंप्यूटर का इसकी खास बात थी क्या क्या खास बातें थी इसे जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया क्या कहा गया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया ठीक है बात बिल्कुल सही बात है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया इसे जो है पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कहा गया इसे पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कहा गया भाई इसे पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कहा गया क्या कहा गया इसे पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कहा गया भाई और तीसरी खास बात इसे सामान्य उद्देश्य वाला पहला कंप्यूटर कहा गया सामान्य उद्देश्य वाला पहला कंप्यूटर कहा गया सामान्य उद्देश्य वाला पहला कंप्यूटर कहा गया है इसे जो है सामान्य उद्देश्य वाला पहला कंप्यूटर भी कहा गया है किसे कहा गया ई एन आई ए सी की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं ई एन आई ए सी की बात कर रहे हैं इसका साइज जो है बहुत बड़ा होता था ये है साइज में बहुत बड़ा होता था भाई साइज में बहुत बड़ा होता था यह साइज में बहुत बड़ा होता था साइज में बहुत बड़ा होता था भाई कंप्यूटर ठीक है क्लियर होगी बात सभी को यहां तक ई एन आई ए सी के बारे में किस चीज के बारे में थी ये ये थी आपकी ई एन आई ए सी के बारे में थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर के बारे में या कंप्यूटर के बारे में थी ठीक है इसके बाद आते हैं ई डी वी सी के बारे में किस चीज के बारे में आते हैं भाई हम ई डी वी ए सी के बारे में आते हैं ई डी वी ए सी के बारे में आते हैं और ई डी वी ए सी के बारे में हमारी खास बात क्या है ईडीवीएसई क्या है आपका फुल फॉर्म क्या रहेगी एक तो फुल फॉर्म जो है आपकी क्या रहेगी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमैटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है इसकी फुल फॉर्म है भाई डिस्क्रीट का मतलब होता है जो चेंज हो जाए डिस्क्रिट का मतलब होता है चेंजेबल डिस्क्रिट का मतलब है चेंजेबल भाई चेंजेबल क्या चीज चेंजेबल है चेंजेबल है जीरो से वन जीरो से वन चेंज होना जीरो से वन जो है चेंज होना भाई ठीक है ना डिस्क्रीट वेरिएबल क्लियर है बात सभी को यहां तक तो जीरो और वन जीरो और वन का जो श्रेय है इसमें इस कंप्यूटर में ईडीवीएसी ए सी में जीरो और वन जो है यहां आ गए भाई कंप्यूटर में कंप्यूटर की मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा बाइनरी के फॉर्मेट में सेव होना शुरू हो गया इसके बारे में खास बात बाइनरी के फॉर्मेट में सेव होना शुरू हो गया भाई कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के फॉर्मेट में सेव होना क्या हो गया शुरू हुआ कंप्यूटर में बाइनरी के फॉर्मेट में डेटा सेव होना शुरू हो गया भाई बाइनरी के फॉर्मेट यानी कि जीरो और वन में और इसका श्रेय किसको गया इसका श्रेय जॉन वॉन न्यूमन को गया भाई इसका श्रेय किसको गया इसका श्रेय जॉन वॉन न्यूमन को गया भाई जॉन वॉन न्यूमन को गया इसका श्रेय किसको गया जॉन वॉन न्यूमन को जो है इसका श्रेय गया भाई ठीक है बाइंड्री में डेटा डेटा मेमोरी में डेटा बाइंड्री के फॉर्मेट में सेव करने का श्रेय जो है जॉन वॉन न्यूमन को गया जॉन वॉन न्यूमन को दो तीन चीजें और हैं जो इसके नाम हैं जॉन वॉन न्यूमन के नाम हैं दो तीन चीजें और वो कौन सी कौन सी चीज़ें हैं जॉन वॉन न्यूमन के नाम है जो इन्होंने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर भी दिया इन्होंने कंप्यूटर का सॉरी कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर दिया हुआ है इन्होंने कंप्यूटर का क्या दिया बेसिक आर्किटेक्चर इन्होंने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर भी दिया है इन्होंने ही दिया कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर ठीक है ना कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने दिया आपका जॉन वॉन न्यूमन ने दिया भाई ठीक है यहां तक बात ओके है यहां तक कोई दिक्कत नहीं हाँ जी तो आगे बढ़ते हैं एक चीज का श्रेय और इनको जाता है किस चीज का श्रेय जाता है इनको और भी कहा जाता है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति इन्हीं को कहा जाता है कंप्यूटर के विकास में कंप्यूटर के विकास में कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति कौन है भाई जॉन वॉन न्यूमन है कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति भाई कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जॉन वॉन न्यूमैन का रहा है फिर ठीक है दिखाई नहीं दे रहा मेरे ख्याल से एक साइड से ना एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा ज़ूम आउट कर देता हूं हाँ जी अब ओके आई थिंक तो ये थे भाई ये था ईडीवीएसी क्या था सी था भाई ठीक है अब इसके बाद आता है ई के बाद देखो यहाँ से हमने ये चीज़ पढ़ ली है क्लियर है बात अब आ जाते हैं हम ई पर किस पर आ जाते हैं ई पर हम आ जाते हैं भाई ई डी एस ए सी ई डी एस ए सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई डिस्क्रीट स्टोरेज नहीं डिले स्टोरेज सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो ये था डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई इसके बारे में ऐसा कहा जाता है डेटा स्टोरेज यहाँ आया था ये डिले स्टोरेज है तो डेटा स्टोरेज कहा जाता है कि यहाँ आया था भाई डेटा स्टोरेज लेकिन कई किताबें कहती हैं के डिले जो डिस्क्रीट स्टोरेज था डिस्क्रीट वेरिएबल था उसमें आया था डेटा स्टोरेज कई किताबें इसको नकारती हैं कई किताबें इसको परमिशन देती हैं कई किताबें कहती नहीं आया था कई किताबें कहती हैं आया था तो कई बार एच सॉरी एस ने इसको माना है कि इसमें डेटा स्टोरेज हुआ था कई बार उसको माना है कि उसमें डेटा स्टोर हुआ था ठीक है ना तो ज़्यादा प्रेफरेंस जो है उसको है और कम प्रेफरेंस जो है इसको है इसके बाद आते हैं भाई इसके मुख्य बिंदु इस जनरेशन के क्या आते हैं मुख्य बिंदु भाई मुख्य बिंदु भाई मुख्य बिंदु में ये जनरेशन क्या कहती है मुख्य बिंदु मुख्य बिंदु के अंदर यह जनरेशन uh... क्या कहती है बिंदु बिंदु को ऐसे आएगा गा बिंदु मुख्य बिंदु चलो जैसे भी है यानी कि इंपोर्टेंट पॉइंट भाई अपने क्या है इंपोर्टेंट पॉइंट इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट पॉइंट्स अपने क्या क्या है इस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता था इस जनरेशन में इस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था बहुत बड़ा होता था ठीक बात है कंप्यूटर का साइज जो है बहुत बड़ा होता था इस जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक ड्रम मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम का आविष्कार हुआ प्रयोग हुआ इस जनरेशन में इस जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग हुआ मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल हुआ मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, मेमोरी के तौर पर प्रयोग हुआ है, विकास हुआ कह सकते हैं विकास हुआ भाई मेमोरी के तौर पर प्रयोग का विकास हुआ मेमोरी के तौर पे प्रयोग करने का विकास हुआ भाई ठीक है क्लियर हुई बात तो ये था भाई ठीक है ना मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी आ गई है। साइज बहुत बड़ा होता था सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि बहुत बड़ा साइज़ होता था यह मैग्नेटिक ड्रम है वैक्यूम ट्यूब की वजह से साइज़ बड़ा होता था हीट होती थी मैकम ट्यूब की वजह से क्या होती थी वैक्यूम ट्यूब की वजह से हीट होती थी भाई जिसकी वजह से गर्म होता था बहुत ज़्यादा ठीक है तो ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन पहली जनरेशन थी आपकी इसमें टाइम टेक्नोलॉजी लैंग्वेज एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े हैं भाई ठीक है आई थिंक क्लियर होगी होगी यहां तक बात यू एन आई वी ए सी रह गया भाई इसका यू एन आई वी ए सी रह गया इसका मुख्य बिंदु से पहले है ना यू एन आई वी ए सी देख लेते हैं यू एन आई वी ए सी तो अपना रह गया ठीक है ना यू एन आई वी ए सी देखो एक बार इसको थोड़ा सा यू मिला करके लिख देता हूँ और इसको जो है हम थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं यू एन आई वी ए सी ताकि हम यहीं पर ले कर भाई ये लो देखो भाई तो इसके बाद आया था ई डी एस ए सी के बाद यू एन आई वी ए सी यूनिवैक इसके बाद क्या आया था भाई यूनिवैक आया था यूनिवैक क्या कहता था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था ये क्या था आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हुआ करता था ये ठीक है ना बिजनेस के उद्देश्य से प्रयोग किया जाने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर क्या होता था बिजनेस के उद्देश्य से बिजनेस के उद्देश्य से प्रयोग किया जाने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग किया जाने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर पहला डिजिटल कंप्यूटर बिजनेस के उद्देश्य से प्रयोग किया जाने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर था कौन सा यू एन आई पी ए सी तो ये सारे एग्जाम्पल थे और ये सारी चीजें थी भाई इसकी मुख्य बिंदु तक तो ये फर्स्ट जनरेशन थी आपकी कौन सी जनरेशन थी ये आपकी फर्स्ट जनरेशन थी इससे पहले हमने हार्डवेयर जो है ये कवर कर लिया है ठीक है ना और ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं क्लियर है बात यहाँ तक तो ये था आज के लिए आपका क्लियर था ये सारी चीज़ें जो है आज के लिए थी आपकी तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कल की क्लास में पढ़ेंगे हम सेकंड जनरेशन एंड नेक्स्ट बाकी सारी जनरेशन ठीक है थैंक यू सो मच जय हिंद भाई सभी को इसकी पीडीएफ बना देता हूं आपकी क्लास नंबर जीरो टेन है ये ना क्लास नंबर वन जीरो सॉरी क्लास नंबर है आपकी वन जीरो okay. ठीक है तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जय हिंद भाई सभी को एक बार मैं ये आपको ईमेल भी कर देता हूं क्लास नंबर तीन चार पांच तक आ गई थी अपने पास तो अभी क्लास नंबर कौन सी आनी है भला अपने पास क्लास नंबर पांच तक आ गई थी छः आनी है सात नंबर क्लास इंट्रोडक्शन के लिए थी शायद वो नहीं आ पाई आठ आनी है और नौ आनी है और दस आनी है जो आज की क्लास है सात नंबर एम सी क्यों है ये आपको पी डी एफ के रूप में ऐप में ही मिल जाएंगे भाई ये आपको पी डी एफ के रूप में ऐप में ही मिल जाएंगे ठीक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जी थैंक यू सो मच नवीन भाई थैंक यू सो मच